हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं टेकी वेस के। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैनन के 200D मार्क टू के बारे में। ये 2019 में लॉन्च हुआ था और अभी तक इसका जो क्रेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अभी रील्स वगैरह लोग बना रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मतलब एक बिगनर के लिए बहुत ही बेस्ट कैमरा हो सकता है। मैंने इसको मतलब ले लिया था 2 साल पहले, मतलब 2019 में ही खरीद लिया था। ये कैमरा मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। 2 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और फिलहाल कुछ दिन पहले मेरे दोस्त के पास था। तो इस टाइप से अगर मैं बताऊं, इसका रिव्यू के बारे में बताऊं कि अगर आप अभी लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अभी मैंने फ़िलहाल M50 Mark II कैमरा बाई कर लिया है, तो इसके बारे में भी मैं रिव्यू दूंगा और इसको उसके साथ कंपैरिजन भी करूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब मैं उसको ख़रीदने के लिए गया था तो अभी भी मैं वहाँ पर देखा कि मतलब कैनन 200D का मतलब मांग लोग कर रहे थे। वहाँ पर भी एक मेरे सामने बंदा इस कैमरे को ख़रीदा। तो इसमें मतलब क्या डिफरेंस है, उसमें क्या डिफरेंस है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा बात कोई दूसरा अलग वीडियो में। आज हम फिलहाल इस कैमरे के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो प्राइस दोस्तों अभी जो मैं उस समय लिया था मेरे को मिला था 46,000 में, अभी ये 50,000 का आपको मिल रहा है। ठीक है, तो 50,000 में आपको मिल जाएगा, ये किट लेंस के साथ मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको जूमिंग लेंस अगर लेना चाहते हो जैसे कि 300 mm का या 250 का, तो थोड़ा सा कॉस्ट आपको ज़्यादा लग जाता है। अगर आप 250 तक का लेना चाहते हो, जैसे 55 से 250 mm का जो होता है वो आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जैसे ऑनलाइन आप खरीद सकते हो। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपको पसंद आए तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि इसका सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। व्लॉगिंग के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि ये आप ना इसको आप फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको फ्लिप करके यहाँ पर आप लगा सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि इसको इधर कर दीजिए। उसके बाद आप ये इस टाइप से ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। आप अगर कुछ चाहें यहाँ पे सेल्फी स्टिक वगैरह लगा सकते हैं, आप ट्राइपॉड वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, आप या चाहे तो गिम्बल वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप चाहें यहाँ पे लेंस दूसरा चेंज कर दिए तो और ही ज़्यादा आपको अच्छा क्वालिटी देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें आप एक्सटर्नल माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपको मिल जाएगा। और अभी कुछ दिन मतलब कुछ देर बाद मैं इसे रिकॉर्ड करके भी बताऊंगा, जैसे कि ये अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने मोबाइल से, वीवो का X60 से। तो उसके बाद मैं अभी इससे रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि किस टाइप से डिफरेंस आपको मिलता है और इसका जो ऑडियो क्वालिटी वगैरह है वो किस टाइप से आपको दिखता है। इसमें आप 4K भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें आपको 24 MP का कैमरा मिलता है जो कि सीमोस का सेंसर है। और इसमें अगर प्रोसेसर का बात करें तो DIGIC 8 प्रोसेसर मिलता है, मतलब जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर कह सकते हैं। और इतना कम प्राइस में इतना अच्छा मिल जाता है, वो बहुत ही बड़ी बात है। और ये टच यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है, तो फोकसिंग वगैरह के लिए या कोई न्यू यूट्यूबर ऐसे कि मोबाइल वगैरह जैसे मान लीजिए आप चलाते हैं उसी टाइप से, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि प्रोफेशनल, मैं भी कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर वगैरह नहीं, नई वीडियोग्राफर हूँ, तो नॉर्मली मैं वीडियो को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और टच करता हूँ तो फोकस ईजिली हो जाता है। तो इस टाइप से आप बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते हैं, मतलब ये आपको लगेगा नहीं कि भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। हाँ, मैनुअल में आप करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर आपको पिक्चर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है लाइटिंग वगैरह भी। तो ये सब तो हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर चल करके कि किस टाइप से इसका वीडियो क्वालिटी वगैरह होता है, और मैं आपको फिर यहाँ भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है अभी, और अभी हम छत पे आए हुए हैं और इसका डायनेमिक रेंज वगैरह कलर्स वगैरह आप देख सकते हैं इस टाइप से आता है, तो आप पीछे का भी देख सकते हैं। और अगर जूम का बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना जूम होता है। और इस टाइप से अगर मैं आऊँगा तो आई ऑटो फोकस करके ये पटाख से सामने ले आता है, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से होता है। और इधर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं मैं भी आराम से चल रहा हूँ, जैसे लोग व्लॉग बनाते हैं तो उस टाइप से मैं चल रहा हूँ, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से मिल रहा है कि नहीं। और जो स्टेबलाइजेशन है वो है इसे सर्वो मोड दिया गया है। तो अब हल्का सा हम इसमें थोड़ा सा स्पीड चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से होता है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं मैं दौड़ रहा हूँ। ठीक है, देखो ये मैं दौड़ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके जैसे नॉर्मली शूट करते हैं, तो इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं। और अब हम स्टेबलाइजेशन जो है उसको ऑफ़ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो मैंने यहाँ भी ऑफ़ कर दिया है और अब सेम चीज़ मैं वैसे ही चल रहा हूँ, तो देख लीजिए इस टाइप से है। तो चलिए इसको बंद करते हैं, एक्स्टावेशन को पहले ऑन कर देते हैं। तो मैंने ऑन कर लिया है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें माइक में लगा लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे माइक है, कैनन का ही माइक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम माइक को इस्तेमाल करेंगे और फोकस कैसा है तो चलिए एक बार उधर करते हैं और फिर यहाँ पे। तो फोकस में भी अगर कहें तो फटाक से फोकस कर लेता है, तो ये कैनन का मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। अब चलिए माइक लगा के देख लेते हैं कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो किस टाइप से इम्प्रूव होता है या होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने माइक लगा लिया है और अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा इम्प्रूव हुआ है या हुआ या नहीं हुआ है, नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह कैसा है, क्योंकि बच्चे उधर खेल रहे हैं नीचे साइड, तो आप देख सकते हैं उधर बच्चे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि साउंड जो कैसा आ रहा है, और थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, उतना भी नहीं चल रहा है, मतलब वैसा कुछ खास नहीं है, तो आप देख सकते हैं मेरे को, और आवाज़ तो क्लियर हो गया होगा। और बाकी मैं ये सारा ऑटो मोड में शूट कर रहा हूँ क्योंकि बाहर का वेदर हमेशा चेंज होते रहता है और इधर उधर लाइटिंग वगैरह की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं ऊपर आसमान में करता हूँ तो किस टाइप से लाइट्स वगैरह आ रहा है। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान दे सकते हैं कि आपके व्लॉगिंग के लिए ये कैमरा सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर फ़ोटो वगैरह के लिए मैंने आपको फ़ोटो सैम्पल तो मतलब दिखाया ही है, तो आप उसको देख करके जज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नीचे मिलते हैं और तो फ्रेंड्स, अभी मैं शूट कर रहा हूँ कैनन के 200D मार्क टू से। आप वॉइस क्वालिटी वगैरह आप जज कर सकते हैं। अभी मैं शूट उससे पहले कर रहा था वीवो का X60 से, और उससे भी मतलब एक्सटर्नल माइक मैंने कनेक्ट किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं किस टाइप से आपको डिफरेंस मिल रहा है। और कलर क्वालिटी वगैरह भी देख सकते हैं किस टाइप से कलर वगैरह दे रहा था। शायद हो सकता है कि मोबाइल में आपको बूस्टेड कलर मिल रहा होगा और इसमें आपको एक्चुअल कलर मिल रहा होगा, और उसमें जो था थोड़ा सा क्रॉप इमेज आ रहा था, इसमें थोड़ा सा हमें वाइड एंगल मिला है, अच्छा लग रहा है। और अभी मैं शूट कर रहा हूँ इसको फुल HD पे, जो कि है 25 पर सेकेंड पे, मतलब कि 25 FPS पे भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस टाइप को आपको वीडियो क्वालिटी वगैरह मिल रहा है और साउंड क्वालिटी वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं अब क्या करता हूँ कि माइक को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अभी जो गैप है हमारा वो 1 मीटर का है, तो आप तो जैसे माइक अगर कनेक्ट कर लेंगे तब तो आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, जितना दूर चाहें उतना दूर जा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और जो इसका इंटरनल माइक दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। वैसे मैंने छत पर भी किया हुआ है, उसको आप भी देख करके आप जज कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने माइक को निकाल दिया है और मैं उतना ही लाउड बोल रहा हूँ जितना पहले बोल रहा था, और जो गैप है सेम गैप है, तो आप इसको भी जज कर सकते हैं कि किस टाइप से ऑडियो क्वालिटी हमें मिल रहा है। और अगर थोड़ा सा नॉइज वगैरह देखें तो आप उसको भी जज कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा देर के लिए एकदम शांत होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो बस, और इस वीडियो पे कोई भी मैं कलर ग्रेडिंग वगैरह नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं ऑडियो को कुछ एडिटिंग वगैरह करने वाला हूँ, कोई भी नॉइज़ को रिड्यूस नहीं करने वाला हूँ। तो आपको जो इमेज है या फिर कुछ भी आपको वीडियो मिलेगा, ऑडियो मिलेगा, सारा कुछ जो भी होगा जेन्युइन होगा, एडिटेड नहीं होगा। ठीक है, तो बस आप इसको समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि क्या आपको कैनन 200D मार्क टू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 40-50 हज़ार से अगर ऊपर जाते हो, तो आपके पास अच्छा उसमें मतलब मोबाइल में आजकल जो कैमरा है बहुत ही अच्छा मिलता है, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत आप मोबाइल के कैमरे से चला सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा प्रोफेशनल आप बन जाएँ, थोड़ा सा हाई क्वालिटी कंटेंट आप बनाएँ, तो जी हाँ, आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया कैमरा हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा फीचर दिया हुआ है और लाइट वेट है, ये लगभग 700 ग्राम के आसपास है, तो आपको हाथ में पकड़ने में ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करोगे तो थोड़ा सा हाथ ऐसे मान ले रखते रखते
आपको थोड़ा दर्द वगैरह जरूर होगा, लेकिन इसमें व्लॉगिंग वगैरह भी अच्छे से किया जा सकता है। अगर आप अकेले शूटिंग चाहते हो तो अकेले शूटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्क्रीन जो है वो फ्लिप होता है और टच स्क्रीन है, तो और ही बढ़िया बात है। मतलब ईजी आपको कंट्रोल का है और आसानी से आप फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, क्योंकि वाईफाई मिलता है आपको, ब्लूटूथ मिलता है, तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप फटाक से ट्रांसफ़र कर सकते हो और जो भी एडिटिंग वगैरह चाहो ईजिली कर सकते हो। तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। और एक्सटर्नल माइक भी कनेक्ट करने को दिया गया है, तो अगर आप जैसे कि कुछ जैसे मान लो आप दूर, जैसे मैं अभी दूर में यहाँ पर, ठीक है, और दूर में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसके लिए बना सकते हैं। अगर आप कुछ प्रैंक वीडियो वगैरह बनाते हैं या कुछ मूवी शॉर्ट मूवी वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट है। तो ये सब ना बहुत ही अच्छा है, तो ये मेरे को सही लगता है। आपको क्या लगता है, आपकी राय हम हमें मतलब आपको क्या लगता है आप हमें ज़रूर बताइए। और सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया, कंपैरिजन वगैरह बता दिया है, और इसके साथ मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ कैनन का M50 Mark II के साथ भी। तो वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।